इस विशाल ब्रह्मांड में विशेष है हमारी धरती, एक ऐसी दुनिया जिसमें जीवन को बनाए रखने वाले पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जीवन की हर मूल आवश्यकता, हर सुख सुविधा इन तत्वों से ही तो मिलती है। उन्नति की राह पर अग्रसर आज का जीवन बेहद तेज रफ्तार हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या बहुत दूर है आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इस ई एज से। भारत की जनता को आज जरूरत है एक नए तत्व की जो उन्हें एक बेहतर जीवन दिला सके, और आज वो छठा तत्व वास्तव में क्षितिज पर ही है। जी हां, एक ऐसी ई क्रांति जो 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हमारे देश में समाज के हर तबके के जीवन स्तर में सुधार ला रही है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान यानी NEGP में इस ही अद्भुत नए तत्व का समावेश है। अनगिनत समाज सुधार की संभावनाओं को जीवन में ला रहा है अपनी तरह का विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट NEGP। और इन सब में सबसे खास हैं सार्वजनिक सेवा केंद्र CSCs। इन फ्रंट एंड केंद्रों द्वारा सरकारी, प्राइवेट सेक्टर सेवाएं और सोशल सेक्टर सेवाएं देश के कोने कोने में पहुंच रही हैं। देश भर में आज 1 लाख से भी अधिक CSCs स्थापित हो चुकी हैं। आज समस्त भारत में CSCs 6 लाख से भी अधिक गांवों में नागरिकों को 100 से भी ज्यादा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जैसे खसरा खतौनी की नकल। 7-12 होल्डिंग आमच्या जवळ पण मिळते। आधी तालुक्यावर जाण्याची जरूरत होती, आता तालुक्यावर जाण्याची जरूरत नाही। 7-12 होल्डिंग आम्ही सही करून इथंच देतो व शेतकऱ्यांचा फायदा होतो व शेतकऱ्यांसाठी खूप चांगली योजना आहे माई सेवा केंद्र झाल्यामुळे। आधी तहसीलला जायची जरूरत होती, आता तहसीलला जाण्याचा पण वेळ वाचतो, खर्च पण वाचतो, त्यामुळे इथंच आम्ही सर्व काही काम करतो। जाती प्रमाणपत्र, इन्कम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकरण और जॉब कार्ड से लेकर रोजगार सेवाएं जैसे व्यावसायिक सॉफ्ट स्किल्स और भाषा प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिकायतों का समाधान, फोन, बिजली, पानी आदि के बिल का भुगतान, बस, रेल और हवाई टिकट की ऑनलाइन बुकिंग, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए आवेदन, मोबाइल फोन रिचार्ज, समाज कल्याण सेवाएं जैसे आवास योजनाएं, पेंशन योजनाएं, टेलीमेडिसिन द्वारा डॉक्टर मरीज की दूरी का अंत। हमरा ये पूरी सेवाटा 2011 सनेर एप्रिल मासे हमरा एखाने स्टार्ट करी। तो स्टार्ट करार पर प्रथम मासे आमादेर एखाने पेशेंट होयेछिलो 20 जनेर मतन एबं एखाने जनसाधारण खूब उपकार होच्छे एबं जनसाधारण थेके ए परिसेवार जे प्रभावटा ता खूब भालो पावा जाच्छे एबं लोकेर मुख थेके एलाकार जनसाधारण मुख थेके খুবই ভালো এই পরিষেবাটা এখানে আসার পরে এলাকার মানুষের খুব উপকার হয়েছে। এগুলি আস্তে আস্তে দিন দিন বাড়ছে এবং মানুষ খুবই খুশি এই পরিষেবা পাওয়াতে, এলাকার সব জনসাধারণ সবাই খুশি। इसके अलावा जीवन उद्धार की अनेक सुविधाएं जैसे ई लर्निंग, माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो बीमा सेवाएं आदि हमारी दूरस्थ आबादी की जीवन शैली बदल रही हैं। हम अपनी खतौनी के लिए इस केंद्र पर आए हैं। पहले शहर में मिलती थी तहसील में, अब ये हमारे गांव में इसका सेंटर खुल गया। तो हमें इसका एक तो समय की बचत है, पैसे की बचत है, दोनों चीज़ है। और ये हमें जोड़ते हैं कृषि कार्ड बनवाने के लिए, इसलिए आज हमें सेंटर पर आज आए हैं। CSCs द्वारा विभिन्न व्यावसायिक व सामाजिक सेवाएं देश भर के ग्रामीणों तक तेजी से पहुंचाई जा रही हैं। जब से ये CSC सेंटर खुले हैं तब से लाइट बिल भरना, पॉलिसीज के प्रीमियम भरना, रिचार्ज करना, मोबाइल फ़ोन बिल भरना, ऐसे बहुत सारे काम ये CSC सेंटर खुलने से एक जगह आके हम सब काम कर सकते हैं, इसलिए टाइम हमारा बहुत सारा बच जाता है। और वैसे भी मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं सीखती भी हूँ, इसलिए मेरे लिए तो
टाइम की अहमियत बहुत सारी है, इसलिए जब से ये सीएससी सेंटर खुले हैं तब से मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है। इसके पहले बच्चों को या उनके पिता को या जो किसान है या इलिटरेट है तो उन लोगों को सर्टिफिकेट निकालने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन उन्हें वहीं पे स्कूल में जो एप्लीकेशंस भेज दिए रहे थे जितने बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट हो या नेशनलिटी या डोमासाइल सभी जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ज़रूरी है तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे स्कूल में अवेलेबल करने की फैसिलिटी शुरू कर दिए। वास्तव में CSCs महिला उत्थान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। आज काफी बड़ी संख्या में महिलाएं CSCs चला रही हैं। நான் ஒரு பெண்ணாக இருந்தும் கூட மிகவும் சிஎஸ்சியை நம்பிக்கையுடன் நடத்துகிறேன். இதனால் சமுதாயத்தின் எனக்கு மிகவும் நற்பெயர் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மக்களுக்கு சேவை செய்வதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். என் குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு இந்த சிஎஸ்சி மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கிறது. CSCs का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आम नागरिकों को अनेक सेवाएं और जानकारी एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। मैं जी बार्बर का काम करता हूं जी, और इस CSC के खुलने से जी हमें काफ़ी लाभ है। हापुड़ जाते थे तहसील में, वहां अधिकारियों से बात करते थे तो वो उसके पास भेजता था जी, वो उसके पास, और वहां से परेशान होकर हम बहुत ही कार्य हुआ ना हुआ कोई गारंटी नहीं थी जी। सुविधा खुलने से जी हमें इतना लाभ है कि हमारा समय बच जाता है, हम अपनी दुकान खोल लेते हैं जी, अपनी मजदूरी कर लेते हैं। हमारे यहाँ 6 गाँव की सुविधा है, और इस सुविधा में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जी और भी मतलब सरकारी कार्य है वो यहाँ अच्छे तरीके से हो जाएंगे। मैं आया हूँ जी यहाँ पे जनसेवा केंद्र पे आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। वहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम खर्च होता, पूरा दिन लग जाता, यहाँ मेरा 1 घंटा लगा जी। इस सुविधा को बेहतर समझने के लिए आइए देखते हैं कुछ CSCs में सुविधाओं की पूर्ति के उदाहरण। राशन कार्ड। आज जब आप नए राशन कार्ड के लिए CSC में आते हैं तो वहां आपको फॉर्म भरने में मदद मिलती है। इससे पहले कोई बना हुआ आपका राशन कार्ड? अगर आपके पास पुराना राशन कार्ड है तो वो आप फॉर्म के साथ ही जमा करते हैं। इनकम कितनी होगी आपकी, वार्षिक आय कितनी है आपका? इसमें इन्होंने 24 दिया हुआ है, 24,000 लिखना है इसमें। आपकी आयु कितनी है? मेरी 50 साल। अपनी इसमें नाम वगैरह तो ऐड नहीं करने, नए लोगों के कुछ मेंबर। आपकी सारी जानकारी जांचने के बाद वो कंप्यूटर में भरी जाती है। सर मुझे आपका फोटो खींचना है, बैठ जाइए, मैं फोटो खींच लेता हूँ आपका। ठीक है, आप कैमरा देखें यहाँ पे। आपकी तस्वीर, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी कंप्यूटर में कैप्चर किया जाता है। ठीक अंकल, मैंने आपका आवेदन कर दिया है, 10 दिन बाद अपना राशन कार्ड यहीं से मिलेगा, कहीं नहीं जाना इसके लिए। आवेदन करने के बाद आपने 10 रुपए देना है इसका। मैं राशन कार्ड के लिए आया था जी, बनवाने के लिए। और पहले तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, हमारे पास टाइम भी नहीं था। हमें जो बड़ा फ़ायदा है, सब प्रकार की सुविधाएं, बिजली का बिल के लिए, मोबाइल के लिए, राशन कार्ड के लिए, प्रमाण पत्र के लिए। वैसे यहाँ की एक ही छत के नीचे सारी गवर्नमेंट सर्विसेज बड़े आसानी से प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास, ये इसके अलावा और बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विस, खसरा खतौनी, नक्शे की नकल, आवेदक अपना एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से बड़ी आसानी से करा सकते हैं। आसपास के जितने भी हम लोग हैं हमारे लोकल एरिया के, उन लोगों को अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। यूजली हमारे यहाँ पर विजिट करके जो आवेदन फॉर्म्स होते हैं भर करके हमें देते हैं, और उसके हम लोग विद इन 1 वीक 7 डेज वर्किंग डेज के अंदर उन्हें सर्टिफिकेट्स बना करके प्रोवाइड करा देते हैं। इसी तरह आज आप अपना बैंक अकाउंट पंचायत के CSC में ही खोल सकते हैं। यहां भी आपकी आवश्यक जानकारी, तस्वीर, आपका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और पहचान पत्र आदि कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं। फीस देकर हाथों हाथ रसीद मिल जाती है, और इस तरह आसानी से आपका खाता खुल जाता है। खाता हम लोग यहाँ पर इसलिए खुलवाए कि यहाँ बहुत नजदीक भी है और हम लोग को समय भी मिलता है कि हम लोग कभी भी आके यहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं या अपना लेन देन कर सकते हैं। पहले हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता था, आने जाने में उनका इतना खर्चा होता था कि वो लोग एक ही बार में सारा पैसा निकाल लेते थे। अब यहाँ पंचायत में ही उनका बैंकिंग सुविधा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि काम जाते समय या काम से लौटते समय
किसी भी समय अपना जरूरत हिसाब से पैसा निकाल लेते हैं। सार्वजनिक सेवा केंद्र पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी का एक बेहतरीन उदाहरण है। मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप किया है जिसके लिए मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। मेरा कॉलेज मेन सिटी से काफ़ी दूर है। ये केंद्र नज़दीक में खुल जाने से मैं यहाँ आके अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ और इसके लिए मेरा स्टडी का और टाइम दोनों बहुत सारा बचेगा। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी और 7 दिनों में मैं अपना डोमिसाइल यहाँ से ले जाऊँगा। इसके द्वारा सरकार, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और लोकल संस्थाओं से मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक उत्थान कर रही है। बहुत संतुष्ट हूँ वीएलए बनकर, क्योंकि मैं आम जनता के अपने गांव के अपने लोगों के बीच में काम करके उनको संतुष्टि दे रहा हूँ। गांव का नज़ारा मेरे प्रति बदल चुका है। पहले मुझे लाचार बेचार समझते थे, मगर अब आदर से बात करते हैं। आप जनता को पहले बहुत परेशानी होती थी काम के लिए, अब चुटकियों में काम हो रहा है, जिससे हमारे यहाँ पर सुविधा आने वाली है। रेल बुकिंग और एरोप्लेन बुकिंग भी होने वाली है। साथ में गैस बुकिंग के लिए आम आदमी को 32 किलोमीटर जाना पड़ता है, गैस बुकिंग हो जाएगी। रिफिलिंग के लिए उन्हें एक बार चक्कर लगाना पड़ेगा। बिजली का बिल जो पे करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, वो भी यहीं पर होएगा। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी भी जानकारी है, और हमारे पशु, जैसे गाँव में पशु बीमार होते हैं, आदमी बीमार होते हैं, उनकी दिक्कत आती है, डॉक्टर कम होते हैं, तो उनको ऑनलाइन हम बात करवा सकते हैं। हर गुजरते दिन के साथ भारत के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग एक बेहतर दुनिया में कदम रख रहे हैं। सच में NEGP अपने सार्वजनिक सेवा केंद्रों द्वारा बदल रहा है देशवासियों का भविष्य। ग्रामीण भारत में प्रगति की नई तस्वीर बन रही है। नागरिकों की जरूरतों की तेजी से पूर्ति और सेवाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण समय और दूरी को बेमतलब बनाता यह छठा तत्व बदल रहा है देशवासियों का जीवन। NEGP, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए।